अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। जैसा देख सकते हैं बिहार बोर्ड में जारी किए मैट्रिक के परिणाम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हिमांशु राज बना टॉपर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है। दसवीं के परिणाम का इंतजार अब खत्म हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार बोर्ड में जारी किए मैट्रिक का परिणाम रिजल्ट आ गया है, हिमांशु राज बना टॉपर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं के परिणाम का इंतजार अब हो गया है खत्म, रिजल्ट आ गया है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार स्कूल परीक्षा के लंबे इंतजार के बाद दसवीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दी गई है। नतीजे के मुताबिक इस बार भी 80.56% पास हुए हिमांशु राज बिहार के दसवीं क्लास का टॉपर बने। उन्होंने 96.20% का अंक प्राप्त किए, यानी हिमांशु ने 500 में से 481 अंक प्राप्त किए। इसी के साथ 15 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया। छात्रों की संख्या 15 लाख से ज्यादा होने के कारण एक साथ लाखों की संख्या में बच्चे वेबसाइट पर आए, जिसके कारण रिजल्ट जारी होते ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो गई। हालांकि छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का घोषणा के दौरान बिहार स्कूल बोर्ड ने बताया कि 14,94,071 बच्चे ने परीक्षा दी, उनमें से 12,03,011 बच्चे पास हुए, 4,33,092 छात्र ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बात करें थर्ड डिवीजन बच्चों की, तो 2,75,402 बच्चे थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर निकल के सामने आ रहा है। जैसा कि आप वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, दसवीं का रिजल्ट चेक किया जा सकता है। बोर्ड ने छात्रों की कॉपी के मूल्यांकन और टॉपर्स इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में से 30% अंक आने वाले छात्र पास माना जा सकता है, इस लिहाजा से छात्र के लिए हर विषय में कम से कम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड के मुताबिक छात्र को अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में पासिंग मार्क्स तो प्राप्त करना ही होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पिछले एक हफ्ते से बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा के परिणाम घोषित को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसी दौरान परिणाम की घोषणा 12वीं तक कर दी गई है। जैसा कि आप जान सकते हैं दसवीं के परिणाम की घोषणा किसी भी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, दरअसल कोरोना के कारण सरकार ने जारी की सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए बोर्ड ने यह कदम उठाया कि परिणाम का घोषणा के कार्यक्रम ही हो चुका। बोर्ड में 12वीं का परिणाम जारी करने के दौरान भी इसी प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। बता दें कि शैक्षणिक सत्र से 2019-20 में बिहार परीक्षा के दसवीं परीक्षा में लगभग 15 लाख छात्र बैठे थे। बिहार बोर्ड के फरवरी महीने में परीक्षा की आयोजित की थी, जैसा कि आप जानते हैं, और इसका 26 फरवरी का इसका एग्जाम खत्म हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।